Yeah, canal. Jonathan tuvo que el líder. Sí. तो हेलो गाइस, कैसे हो? होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आ चुके हैं बिल्कुल नई वीडियो के साथ। वीडियो इंटरेस्टिंग है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो का एंड तक देखना। एंड हाँ, वीडियो में आगे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, एंड एंडिंग पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं मिस करना। तो फिलहाल के लिए गेम प्ले की बात करते हैं। एंड उससे पहले आपने जो स्टार्टिंग में क्लिप देखा कि मैंने जोनाथन को मार रखा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग देख के ही समझ गए होंगे कि फेक जोनाथन होता है, कोई रैंडम बंदा जोनाथन नाम से आया होता है। एंड अगर वहाँ पे जोनाथन भाई आते तो भाई फुल लॉबी ख़त्म होती। तो फिलहाल के लिए गेम प्ले की बात करते हैं। तो मैं आता हूँ यहाँ पे जॉर्जो पुल, एंड बंदे तो बहुत आते हैं, तो जल्दी से उतर के लूट करता हूँ। मिनी मिलती है तभी बंदा कंटेनर के ऊपर दिखाई देता है। तो बंदे को मैंने नॉक करा, फिर डायरेक्टली पुश करने जाता हूँ तभी इसका टीममेट भी दिखाई देता है। तो यहाँ से मैं जैसे ही आगे जाता हूँ तभी सामने के साइड बंदा दिखाई देता है जो कि बिल्कुल टीपीपी ले रहा था। तो देखो आप आगे क्या होता है। तो यहाँ पर मैं इस बंदे को डायरेक्टली नॉक एंड फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद इससे लूटता हूँ, लूट करने के बाद फिर मैं आगे जाता हूँ। एंड सामने मैंने एक बंदे को नॉक करा था तो वो भी रिवाइव हो जाता है, बट मैं फिर जाता हूँ पुश करने बंदों के ऊपर। तो यहाँ पे एक टीम होती है, तो देखो आप आगे इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बंदों को आइडेंटिफाई करते हुए जा रहा था कि एग्जैक्ट बंदे हैं कहाँ, तो तभी बंदों का साउंड सुनाई देता है। तो देखो आप आगे। एंड फाइनली मेरे भाई यहाँ पे ये टीम फिनिश हो जाती है। तो इनसे मैं थोड़ा बहुत लूट करता हूँ, बट सामने की साइड बग्गी आती है तो उस बंदे को मैं फिनिश करने जाता हूँ। बट बंदा बिल्कुल कैंपिंग करके बैठ जाता है, एंड ऐसी कैंपिंग करता है कि समझ में ही नहीं आता कि मतलब थोड़ा सा भी फुट स्टेप नहीं दे रहा था, बट आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था एंड बिल्कुल कैंपिंग कर लेने लग जाता है। तो देखो आप आगे क्या सीन होता है। तो यहाँ पर मैं मारा जाता हूँ, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मैं बंदे को एक्सपेक्ट करता हूँ। तो ये भी सोलो ऐसे स्क्वाड का प्लेयर होता है, बट इस बंदे की केडी आप यहाँ पे देख सकते हो 7.3 की केडी है। बट फिर भी बंदा बिल्कुल कैंपिंग करके खेल रहा था, मतलब कि
क्या ही मैं बताऊंगा यार, ऐसे कौन खेलता है मेरे भाई। एंड अगर बंदे ने कैंपिंग नहीं करा होता तो शायद से इसको मार के आगे का गेम प्ले ओपी बन सकता था, बट ऐसे कैंपर आ जाते हैं ना लॉबी में तो क्या ही मैं बताऊं, मतलब इतनी की ज़्यादा केडी लेने के बाद भी बंदा बिल्कुल कैंपिंग करके खेल रहा था। तो कोई बात नहीं, होता है गेम प्ले है, तो आगे का गेम प्ले आने वाला है ओपी, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले में। तब तक के लिए यार बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।